तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बैकलिंक्स को मैंने क्रिएट कर दिया है और मैंने इस बैकलिंक्स को इंडेक्स भी करा रखा है। मैं विद प्रूफ के साथ मैं बात करूँगा। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गाइस यहाँ पे मेरा जो लिंक है वो 4 अगस्त में इंडेक्स भी हो चुका है। तो गाइस किस तरह से इंडेक्स करा है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। तो गाइस वीडियो ध्यान से देखना। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि किस तरह से आप जितनी भी बैकलिंक्स आप क्रिएट करते हो उस बैकलिंक्स को आप इंडेक्स इजी वे में आप कैसे कर पाओगे। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके साथ में गाइस अगर आप चैनल पे विजिट करोगे आपके पास जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। SEO ऑफ पेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू जो है अपनी जो बैकलिंक्स है उस बैकलिंक्स को गाइस इंडेक्स कराएंगे। तो गाइस इस वेबसाइट से सबसे पहले आपको करना होगा क्या होगा गाइस, यहाँ पे जो है फ्री अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रिएट अकाउंट, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सिंपली आपको बस यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डिटेल्स आपको एंटर करना होगा। तो गाइस डिटेल्स के लिए जो है मैं टेम्प मेल यूज़ करूँगा, आप अपना कोई भी मेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस मैंने टेम्प मेल का वेबसाइट ओपन कर लिया है। इस मेल को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपके पास मेल आएगा, मेल एक्टिवेशन मीन कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा और जो लिंक होगा वो क्लिकेबल नहीं होगा, इसलिए गाइस लिंक को जो है आप कॉपी करके जो है न्यू टैब में आप ओपन कर देना। तो जैसे आप ओपन कर दोगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। उसके बाद जो है इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइस आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है, लॉगिन हो रहा है सॉरी गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद जो है यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही होगी। इस वेबसाइट को अगर क्लिक करोगे मतलब जो यूआरएल है यूआरएल पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दिस पेज इज नॉट सेटअप, अभी जो है आपका पेज सेटअप करना है। तो गाइस उसके लिए गया है पेज एडिटर में जाना है और यहाँ पे जो है एक पेज टाइटल डालना है, चाहे आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे आप अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हो या आप कुछ भी डाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो है कुछ टेम्पलेट है, आप किसी भी टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वहाँ पे उसके नीचे जो है आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जो है सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे जो है टेम्पलेट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे जो है मैंने टाइटल लिख दिया और जो टेम्पलेट है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा टेम्पलेट वो लग चुका है, लेकिन इस वाले टेम्पलेट में अभी कंटेंट नहीं है। तो गाइस कंटेंट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली पेज एडिटर पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटेंट। यहाँ पे आप कुछ भी आप जो भी आप लिखोगे वो कंटेंट जो है उस पेज पे जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस कंटेंट के लिए मैं काम कर दूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू SEO स्मार्ट की चैनल करके मैं लिख देता हूँ। तो गाइस उसके लिए गाइस मैं जो है यूट्यूब का जो अबाउट है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे मैंने क्लिक कर दिया और दूसरे पेज में मैं आ गया और इस पेज देख सकते हो गाइस बिल्कुल ब्लैंक पेज है। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो अब मेरा कंटेंट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि जितनी भी बैकलिंक्स जो होंगे उस जितनी भी बैकलिंक्स है इस बैकलिंक्स को जो है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन खाली आपको बैकलिंक्स आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बैकलिंक्स के साथ आपको थोड़ा बहुत भी आपको कंटेंट जो है आप कॉपीड कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो या अगर आपके पास यूनिक कंटेंट है तो गाइस वो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद गाइस आपको जो है लिंक को भी कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है लिंक लगाने का तरीका अलग है। उसके लिए गाइस मैं एक वेबसाइट यूज करूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस उस पर आपको क्लिक जाना है और उसमें जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, एक URLs का और एक कीवर्ड्स का। सबसे पहले आप URLs को कॉपी कर देना और कीवर्ड्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हो,
या तो गाइस आप अपना कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ बैकलिंक्स 1, बैकलिंक 2, बैकलिंक 3। इस तरह से मैं जो है यहाँ पे सारे जो है ना मेरे जो है 10 बैकलिंक्स है। जितने आपके जो बैकलिंक्स होंगे, जितने यूआरएल्स होंगे, उतने बार ही आपको जो है कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा। तो गाइस कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपको जनरेट पर आपको क्लिक करना है, और जो कोड आपको जो यूज़ करना है आप देख पा रहे होंगे ये वाला कोड आपको यूज़ करना है, जो यूआरएल करके जो कोड होता है वो वाला कोड को आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको दोबारा उस पेज पर जाना है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे मैंने कंटेंट के नीचे जो यूआरएल लगा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और दूसरे पेज पे मैं आ गया, इस पेज को जो है रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मेरा कंटेंट आ चुका है, और बैकलिंक्स भी देख सकते हो गाइस जितनी भी मेरे जो बैकलिंक्स है वो सारे बैकलिंक्स यहाँ पे आ चुका है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो गाइस ऑटोमेटिकली मेरा जो बैकलिंक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था। अगर और इसके अलावा गाइस अगर इस वीडियो का अगर पार्ट टू चाहिए, मीन जितने भी आपने जो ये जो वेबसाइट जो क्रिएट करी है, इस वेबसाइट को आप किस तरह से आप वेबसाइट को जल्दी से आप इंडेक्स कराओगे, अगर उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना, ताकि गाइस इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट मैं जल्दी से जल्दी जो है चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी मिला होता है तो गाइस चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जल्दी से हमें 5K सब्सक्राइबर करना है।